तो अभी हमने पिछली वीडियो में देखा आर्टीरियल ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे उसकी वेनस ब्लड सप्लाई, यानी कौन कौन सी वेन्स हमारे लंग्स से बाहर निकलती हैं। तो वेनस ड्रेनेज देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा उसका वेनस स्ट्रक्चर। तो वेनस ड्रेनेज का मतलब है वेनस ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ड्रेन्ड फ्रॉम द टू सेट्स ऑफ वेन। जैसे टू आर्टरीज थी, ब्रोंकियल आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे ही यहाँ पर होती हैं ब्रोंकियल वेन एंड पल्मोनरी वेन। यहाँ पर भी पल्मोनरी वेन केवल नाम है, लेकिन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और इसके साथ एक्सेप्शनल कौन रहेगा? अम्बिलिकल वेन। यानी हमारी बॉडी में दो ही वेन ऐसी हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चलती हैं, एक है अम्बिलिकल वेन और दूसरी है पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर जो जो पार्ट हमने सप्लाई करवाया था ब्रोंकियल आर्टरी से, अब वहाँ से अराइज होंगी उसके बराबर से ही ब्रोंकियल वेन। तो देयर आर टू ब्रोंकियल वेन्स फ्रॉम ईच साइड, राइट ब्रोंकियल वेन्स एंड लेफ्ट ब्रोंकियल वेन्स। यानी राइट राइट लंग से दो ब्रोंकियल वेन निकलेंगी और लेफ्ट से दो ब्रोंकियल वेन निकलेंगी, ठीक है? तो इट ड्रेन्स इनटू द एजाइगोस वेन। जो राइट ब्रोंकियल वेन है वो कहाँ पर देती है अपना पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? एजाइगोस वेन। और लेफ्ट ब्रोंकियल वेन कहाँ देती है? हेमीजाइगस वेन। और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है एसेसरी हेमीजाइगस वेन, ठीक है, या लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये अपना मैक्सिमम ब्लड कहाँ सप्लाई करता है? इस पोर्शन में। और यहाँ से एजाइगोस वेन से होता हुआ ये सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा में पहुँच जाता है और पहुँच जाता है राइट एट्रियम में, और दोबारा से आ जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक में फिर आ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है? तो ब्रोंकियल वेन जो है उसमें कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कहाँ से? लंग्स से, ठीक है? बोथ ब्रोंकियल वेन्स ड्रेन्स इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ब्रोंकियल ट्री एंड पल्मोनरी ट्री, पल्मोनरी टिश्यू। जैसा अभी हमने पहले पढ़ा था, आरटीवी कहाँ सप्लाई करती थी? लंग्स के ब्रोंकियल ट्री में और पल्मोनरी टिश्यू को, एक्सेप्ट रेस्पिरेटरी पार्ट। उसी तरीके से यहाँ पर ब्रोंकियल वेन जो है वो वहाँ से उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड होने पर वापस ले जाएगी, यानी विद द हेल्प ऑफ राइट ब्रोंकियल वेन एंड लेफ्ट ब्रोंकियल वेन्स, ठीक है? अब बात करते हैं पल्मोनरी वेन की। देर आर टू पल्मोनरी वेन ऑन ईच साइड। पल्मोनरी वेन भी कैसे होती हैं? दो दो। तो टोटल हार्ट में कितनी पल्मोनरी वेन एंटर करेंगी? चार, ठीक है? द ड्रेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। और ये कैसा ब्लड लेकर आएंगी? एक्सेप्शनल बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दे डू नॉट अकम्पनी द पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है, जिस तरीके से ब्रोंकियल वेन हमेशा ब्रोंकियल आर्टरी के साथ चलती है, लेकिन पल्मोनरी वेन पल्मोनरी आर्टरी के साथ नहीं चलती है, ठीक है? बिकॉज, उसका रीजन भी दिया गया है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर इंटरसेगमेंटल वाइल ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज आर सेगमेंटल इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये बड़ा अच्छा स्पेशल पॉइंट है। कहने का मतलब है कि जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ट्रिब्यूट माने होता है किसी को गिफ्ट देना, तो वेन अपना ब्लड किसी एक खास वेन को वापस देंगे, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटरी कहाँ मिलेंगी? आर्टरी में, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ब्रांचेस कहाँ मिलेंगी? आर्टरी में। और ट्रिब्यूटरी कहाँ मिलेंगी? वेन में। तो जो छोटी छोटी वेन्स हैं उनको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, वो सारी एक मेन वेन में जाएगी। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर इंटर सेगमेंटल प्लेन। जो सेगमेंट बनाएंगे, अभी हमें आप एनाटॉमी वाली वीडियो देखिए तो उसमें आपको समझ में आएगा इंटर सेगमेंटल क्या होता है। तो जो इंटर सेगमेंटल प्लेन्स होते हैं उसमें होती है हमारी पल्मोनरी वेन, जबकि ब्रांच जो होती है पल्मोनरी आर्टरी की वो सेगमेंट के अंदर होती है, अराउंड द एल्वियोलाई। समझ में आ गया? अराउंड द एल्वियोलाई। इसको जरा मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ। देखिए, ये लंग का एक पोर्शन कट करके दिखाया गया है, और लंग के एक पोर्शन में ये है कनेक्टिव टिश्यू, इस कनेक्टिव टिश्यू में जो रेड कलर से दिख रहा है वो है पल्मोनरी वेन्यूल्स। क्या है? पल्मोनरी वेन्यूल्स, ठीक है? अब ये इंटर सेगमेंटल है,
देखा सेगमेंट के अंदर तो नहीं है, इसीलिए वो कह रहा था कि पल्मोनरी वेन्स हैं वो इंटर सेगमेंटल हैं, जबकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो सेगमेंटल है। देखिए ब्लैक कलर से, पल्मोनरी आर्टरी में कहाँ से दिखाऊंगा, ये ब्लैक कलर, ये अराउंड द एल्वियोलस पूरा कवर कर रखा है, ठीक है। क्या है पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही है, देखो पल्मोनरी आर्टरी सेगमेंटल होती है, यानी सेगमेंट के अंदर की तरफ सप्लाई करती है, अराउंड ईच एल्वियोलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। जबकि पल्मोनरी वेन्यूल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू का जो सेगमेंट बना होता है, चैम्बर बना होता है, जो बाउंड्री बनी होती है, जहाँ पर ये एक टर्शरी टर्शरी क्या बोलते हैं इसको, टर्शरी ब्रोंक्यूल जहाँ पर एक सप्लाई करता है एक चैम्बर में, इस पूरे एक चैम्बर को उसके चारों तरफ से, इसमें क्या बोलते हैं देखो, इसको बोलते हैं हम टर्शरी ब्रोंकस, टर्शरी या सेगमेंटल ब्रोंकस बोला इसको, ठीक है। ये जो बने हुए हैं इसके आसपास जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया, ये दोनों तरफ ये पूरा इसको कवर करके रखते हैं, और यहाँ से आर्टरी सप्लाई के थ्रू इसके आसपास, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इसको क्लियर करने के बाद, डीऑक्सीजनेशन करने के बाद वापस जाएगा इस इंटर सेगमेंटल पल्मोनरी वेन्यूज के जाल के थ्रू, ये जो रेड कलर से जाल बना हुआ है पूरा, जबकि ये सेगमेंट के बीच में नहीं है, एक दो तीन तीन सेगमेंट बनाए हैं टोटल, तो इनको क्या बोलते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। ये क्या होता है ये आप दूसरी वीडियो में समझ जाएंगे, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ समझ आ रहा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो सेगमेंट के अंदर होती है, पल्मोनरी वेन इंटर सेगमेंटल होती है, दो सेगमेंट के बीच में होती है ना कि सेगमेंट के अंदर, जबकि ब्रोंकियल आर्टरी भी सेगमेंटल ब्रांच होती है, ब्रोंकियल आर्टरी के क्या है सेगमेंटल है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये हो गया हमारा किस तरीके से ब्लड सप्लाई है, तो यही बताना चाहता है वो कि दे डू नॉट अकम्पनी द पल्मोनरी आर्टरी, वो पल्मोनरी आर्टरी के साथ नहीं चलते, बिकॉज द ट्रिब्यूटरी ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर इंटर सेगमेंटल प्लेन्स वाइल द ब्रांचेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी आर सेगमेंटल इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब लिखते हैं या वाइवा में पूछा जाता है तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि ब्रोंकियल वेन्स जो है वो उसके साथ ही अकम्पनी करेंगी, मतलब जहाँ जहाँ ब्रोंकियल आर्टरी जाएंगी वहाँ पर फिर कैपिलरी फॉर्मेशन होगी और उसी रास्ते से ब्रोंकियल वेन बन जाएगी। तो आई होप आपको वेनस ब्लड सप्लाई भी समझ में आ गई होगी लंग्स की, अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसको एक दो बार वीडियो को देखें तो आपको साथ के साथ पूरा याद हो जाएगा।